राहुल गांधी ने जब से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की पार्टी का प्रभार सौंपा है वो एक्शन मोड में है। यूपी में रोड शो और फिर मैराथन मीटिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के बाद अब प्रियंका गांधी ने पहली बार जनसभा को संबोधित किया और प्रियंका का ये संबोधन यूपी में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में हुआ, जहाँ CWC की बैठक के बाद प्रियंका और राहुल गांधी दोनों ने हुंकार भरी। राजनीति में एंट्री के बाद से ही सभी को इंतजार था प्रियंका गांधी के संबोधन का। वैसे तो वो मीडिया से कई बार बात कर चुकी हैं, लेकिन प्रियंका जनता के बीच पहुंचकर क्या कहेंगी, लोगों से कैसे रूबरू होंगी, मोदी सरकार पर किस तरह प्रहार करेंगी, लोग ये जानना चाहते हैं और ये इंतजार आज खत्म हुआ। प्रियंका गांधी रैली में बोली और वो भी पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद आज प्रियंका गांधी गांधीनगर में गरजी और ऐसी गरजी की मोदी सरकार के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था वो रोजगार कहाँ है। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे वो 15 लाख कहाँ गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। सही सवाल करिए इस चुनाव में। मोदी सरकार पर बरसने के साथ ही प्रियंका ने लोगों को वोट की कीमत भी समझाई और सच्चे नेतृत्व को वोट देने को कहा। तो कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को ललकारा तो वहीं राहुल गांधी भी नोटबंदी से लेकर GST, किसानों से लेकर बेरोजगारी, हर मुद्दे पर बरसे और राफेल को लेकर पीएम मोदी पर कई सवाल दागे। एंटनी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने 1 राफेल के लिए 526 करोड़ रुपए देने के लिए तय किए थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि HAL कंपनी, हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी जिसने 70 साल से हवाई जहाज बनाए, जिसके हवाई जहाज ने पाकिस्तान में जाके बम गिराए, मिराज हवाई जहाज, उस कंपनी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है और मैं गारंटी करके कहता हूं अगर अनिल अंबानी जी को आपने एक कागज दे दिया और उन्होंने उनको कहा कि भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, अनिल अंबानी जी कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएंगे। तो आज गांधीनगर में प्रियंका और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ललकार कर चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। अब जब आगाज इतना जबरदस्त है तो अंजाम कैसा होगा, ये सवाल है। DB लाइव की रिपोर्ट।